क्या कर रहे हो तुम? कॉफी पी रहे हैं। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। एंड इनके विंडो से क्या दिखता है यार, कितना अच्छा व्यू दिखता है, एम्स दिखता है। सो मैं वीडियो बना रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है हॉस्टल टूर। सो मुझे काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि अपना हॉस्टल टूर दिखाओ। जब से मैंने आपके लिए कट ऑफ वाली वीडियो बनाई है, आपको पता लगा कि मैं सफदरजंग से कर रही हूँ, तो आपने बोला कि अपना हॉस्टल टूर दिखाओ। सो फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। सो मैं नर्सिंग कर रही हूँ एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग VUMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो हमारे हॉस्टल में जो है दो टाइप के रूम्स होते हैं, फर्स्ट सिंगल रूम होते हैं एंड सेकेंड डबल रूम होते हैं। तो जो सिंगल रूम होते हैं वो मतलब आपको दिखाऊंगी मैं सिंगल रूम्स कैसे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। एंड डबल रूम्स में बालकनी अटैच होती है विद बाथरूम होते हैं, पर डबल रूम में कंडीशन रहती है कि दो बच्चे तो रहने ही हैं। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट सेकंड में आपको पेयर में रहना होता है एंड थर्ड ईयर से सिंगल सिंगल बच्चों के पास चॉइस होती है कि आप सिंगल रूम ले सकते हो। बट जिसको डबल रूम लेना होता है उनमें ये होता है कि आपको दो बच्चे तो रहने ही है, जैसे मैं रह रही हूँ डबल रूम में एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा रूम कैसा दिखता है। अगर आपको अलग से रूम टूर चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। सो अभी चलते हैं हॉस्टल टूर करने। सो यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, तो बाहर से हमारा इस तरीके से दिखता है हॉस्टल। हमारा हॉस्टल बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसलिए वॉल्स थोड़ी आपको इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे हमारा गेट है, गेट से आती है यहाँ लिफ्ट है। यहाँ पे हमारा वार्डन का टेबल है, तो अंदर इस तरीके से है। एंड पहला हमारा पड़ता है सिटिंग रूम, तो यहाँ पे जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ बैठ के बात वगैरह करते हैं। एंड इस साइड सारे मतलब प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो स्ट्रेट जाके आपको हमारे पॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि जब इंस्पेक्शन होता है तब ये सारे लगा देते हैं। एंड इस साइड है टीवी रूम, तो टीवी रूम देखा करते थे हम किसी ज़माने में, बट अब नहीं देखते हैं। एंड यहाँ पे डाइनिंग हॉल हमारा, उसी के पास हाउसकीपिंग ऑफिस है, वार्डन का ऑफिस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साइन वगैरह करते हैं, तो इसी रूम में आते हैं। एंड देन उसके बाद ये है मेस। सो मेस हमारा इस तरीके से दिखता है। एंड यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे वार्डन बैठे हैं। एंड ये सारी अलमीराज हैं। एंड उसके बाद ये सारी टेबल्स हैं, अभी खाली था क्योंकि मैं 5 to 6 के बीच में, मतलब आफ्टर 5 ही आई थी, तो बच्चे नहीं होते इस टाइम। तो ये इस तरीके से है, टेबल्स लगी हुई हैं। एंड फ्रंट व्यू इस तरीके से है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सही है हमारा मेस जो है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्यूटर लैब है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा इसको। एंड जो ये रास्ता है ये हमारा बैक स्टेज की तरफ जाता है, सो यहाँ से बैक स्टेज इस साइड पीछे की तरफ है। एंड यहीं पे हमारा पीछे की साइड जाके हॉस्टल के बैक साइड जो है हमारे टीचर्स के रूम भी है, तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लग गया। एंड दो बैक स्टेज है, मतलब जब नुक्कड़ नाटक होता है, डांस प्रैक्टिस करनी होती है, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, स्किट की प्रैक्टिस होती है, तो हम यहीं पे मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं। वो टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा फन वाला होता है, क्योंकि नाइट में करते हैं, डे ऑफ होता है तब होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना पुराना है, तो इस तरीके से हमारा हॉस्टल दिखता है। सो ये सारे रूम्स हैं, बहुत ही पुराना पेड़ है। तो फिर आगे वाला बैक स्टेज दिखाती हूँ, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे स्टेज वगैरह लगा है, आपने दिवाली ब्लॉग देखा होगा, मैंने वहीं पे हमने दिवाली सेलिब्रेशन की थी हॉस्टल की, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देखना ब्लॉग, तो वो मैं लिंक डाल दूंगी नीचे। एंड यहाँ पे सारे टीचर्स के रूम हैं, रूम नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे टीचर्स दोपहर में बैठते हैं, तो इस तरीके से रूम है। एंड ये है बैक स्टेज हमारा, तो इस तरीके से सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज बना रखा है, एंड ऊपर ये सारे रूम्स हैं सबके, तो सबके विंडो से अलग अलग व्यू दिखता है। देन उसके बाद ये मैंने एक्चुअली शाम को ही किया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, रात में तो थोड़ा वैसा दिखता ही क्योंकि पुराना है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ से अगर पीछे की साइड जाते हैं, तो यहाँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, VUMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल का। एंड यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, मतलब काफ़ी सही है यार, इंजॉय हो जाता है, वॉक वगैरह भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये सारे रूम्स लगे हुए हैं। एंड ये सारे हमारे चार्ट्स जो हम स्किट वगैरह में बनाते हैं, तो ये पेशेंट एंड सेफ केयर के सारे लगे हुए हैं चार्ट्स, तो ये सारे प्रेगनेंसी के चार्ट्स लगे हुए हैं, यहीं पे हम लगा देते हैं अगर हमारे यूज़ में नहीं आते। सो ये हमारे हॉस्टल का बैक वाला गेट है, तो यहाँ से भी ऊपर जाते हैं हम, मतलब जिसको जहाँ से पास लगता है रूम तो वो वही यूज़ करता है, बट अभी मैं जाऊँगी आगे से।
क्योंकि आगे लिफ्ट है और मेरा थोड़ा इस साइड ही रूम है। सो अभी हम चलते हैं लिफ्ट की तरफ एंड मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे हॉस्टल में एक कैट भी है। सो ये स्टेयर्स है, एंट्रेंस पे हमारा स्टेयर्स होता है एंड इस कैट को हम 3 साल से देख रहे हैं, बहुत ही क्यूट है ये। एंड ये हमेशा ये इसी टेबल के नीचे रहती है, मेस में आ जाती है। तो अभी हम लिफ्ट से जाएंगे। सो हमारे हॉस्टल में लिफ्ट फैसिलिटी भी है, हालांकि हमारे सिर्फ 3 ही फ्लोर है, बट लिफ्ट फैसिलिटी भी है। बट जब हमें ज़रूरत होती है तभी लिफ्ट ख़राब हो जाती है, इसकी खासियत है। सो मेरा रूम जो है वो 2nd फ्लोर पे है, तो अभी हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने कुछ बोला था तो मैं वही रिएक्ट कर रही थी। सो अभी हम जाएंगे 2nd फ्लोर पे। तो मेरा रूम जो है वो मतलब डबल रूम है, बालकनी वाला है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे मेरे जूनियर्स रहते हैं, तो जून जून से रूम खाली होता है तो वहाँ पे हमारे जूनियर्स एडजस्ट कर देती है वार्डन। तो यहाँ से ये बाहर से व्यू है इस तरीके से। तो अभी चलते हैं, मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये भी खाली है, यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं स्किट वगैरह की। तो जो भी होता है, ये जितने भी हमें एरिया दिखता है बड़ा, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं। और तो इस तरीके से लेन है यहाँ पे, इस साइड सारे डबल रूम्स है हमारे। तो रात में थोड़ा डर लगता है यहाँ आने में अगर लाइट्स ऑफ हो। तो इस तरीके से रूम सेपरेटेड है। एंड देन वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, मतलब 10 बच्चों के लिए एक वॉशरूम है। तो मतलब काफ़ी सही फैसिलिटीज़ है हमारे हॉस्टल की, गीज़र वगैरह सब फैसिलिटीज़ दे रखी है। पहले नहीं था, हमारे 3rd ईयर में गीज़र लगा है एंड यहाँ पे वाटर कूलर है। तो ये वाटर कूलर भी सही है, मतलब सही पानी आ जाता है। देन उसके बाद ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए एंड नीचे के लिए। एंड यहाँ पे पूरे फ्लोर पे हमारे बैचमेट्स ही रहते हैं, मीन्स 4th ईयर ही है। सो अभी बच्चे शायद सो रहे हैं, सारे के सारे अंदर है रूम में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने मेरे फ्रेंड्स क्या क्या कर रहे हैं रूम में, सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ऐसा लगता है बाहर से सब सो रहे हैं बट अंदर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं बच्चे। कोई मूवी देख रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, कोई असाइनमेंट कर रहा होता है, कोई नहा के आ रखा होता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग चल रही है, हाफ बैच की हाफ बैच की हॉस्पिटल पोस्टिंग चल रही है। तो कम्युनिटी वाले बच्चे थोड़ा लेट आते हैं इसलिए। तो अभी वो सब फ्रेश वगैरह होते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो अभी चलते हैं मेरे फ्रेंड के रूम में, तो आपको मिलवाती हूँ उससे। हाइजीनिक बच्चे। सो अभी मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के रूम में एंड सिंगल रूम इस तरीके से दिखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर रूम है एंड शी इज़ माई फ्रेंड पूनम। पूनम क्या कर रही है? सीरियल। कौन सा सीरियल? कुछ भी जो इंस्टाग्राम मिले। तो इनको एक एडवांटेज है, इनको क्या मिल रखी है? विंडो जो कि बंद रखते हैं क्योंकि हमारे बंदर बहुत आते हैं। एंड इसके बाहर क्या दिखता है? एम्स दिखता है। सो अभी तो चिल कर रही है पूनम क्योंकि हमारा वार्ड बहुत ही इजी पीजी है ना। कौन सा वार्ड है? हाँ कहाँ है तू? दिख भी नहीं रही है। मेहमान आए खड़ा नहीं होना होता? नहीं मेहमान नहीं है तू। अच्छा देखो हम कभी कभी आते हैं। और सोन पापड़ी खाते थी। सो अभी पूनम मुझे खिलाएगी सोन पापड़ी क्योंकि मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है, पूनम को नहीं है। तो होता है जो लाता है वो खाता नहीं है। वो दूसरों को खिलाते हैं। चलो कुछ तो मिला। पूनम के रूम में ये क्यूट क्यूट से टेडी बियर है। पूनम इसका नाम क्या है? ग्रिंच। हाँ ग्रिंच। ग्रिंच ग्रिंच बड़ा अच्छा नाम रखा है। और इसका बोबो है। बोबो बोबो वाह कितना अच्छा। मुझे पूनम का रूम ऐसे अच्छा लगता है। इसमें क्या है पूनम, दिखा दूं? नहीं ना बुक्स दिखा देती हूँ। ये इतनी सारी हमें बुक्स ही, हमारी 4th ईयर की है ना। ये असाइनमेंट्स है एंड खाने पीने का है। चलो अब दूसरे रूम में चलते हैं। थैंक यू पूनम, बाय, हैव फन। सो अभी दूसरे रूम में चलते हैं। स्लीपर पहन के आ जाओ अंजलि। सो ये सिंपल से रूम है, सिंगल रूम। पूनम को दिखाया था ना अभी। सो क्या कर रही है अंजलि? कॉम कर रही हूँ इस टाइम। हाँ कम्युनिटी पोस्टिंग थी ना हमारी। हाँ और ये देखो अभी तक बैलून्स, अभी एक हमारे फ्रेंड का बर्थडे था तो ये बैलून्स बिखरे हुए हैं। एंड इनकी ऐसी विंडो है, ये तो बहुत अच्छी विंडो है तुम्हारी तो। हाँ मैं शायद पहली बार आई हूँ अंजलि के रूम में। नाइस नाइस, बाय अंजलि, थैंक यू।
तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में एंड ये है प्रीति का रूम। हाय गाइस। हाय। क्या कर रहे हो तुम? कॉफी पी रहे हैं। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है एंड इनके विंडो से क्या दिखता है यार, कितना अच्छा व्यू दिखता है, एम्स दिखता है। सो मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं यार, अपना रूम दिखाना यार। तो ये इनका फैमिली ट्री है ना, फैमिली फोटोज है ना प्रीति, इसमें कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है बच्चों ने। और एक हमारा रूम, ये मेरा डैडी, इसे भी मिलाओ, इसको भी मिल लो। हमारी प्रीति का पांडू पांडू को हाय बोल दो, पांडू से हाय करवाइयो, हाय बोलो पांडू, दीदी आई, सब्सक्राइब करने को बोलो, दीदी का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी कहना। एंड ये इनका है मिरर एंड ये टेबल एंड मंदिर भी होगा ना तेरे रूम में तो जरूर। हमारा मंदिर धार्मिक होना मैं। ये छोटा सा कोने में मंदिर, ये क्या कर रखा है प्रीति? अरे ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं। बर्तनों की दुकान से क्या करते हो फिर तुम? डेमो करते हैं। हाँ यार डेमो चल रहे हैं सारे। चलो ठीक है, बाय। यहाँ बच्चे कपड़े धोना भी सीख जाते हैं। सभी चलते हैं मेरे फ्रेंड के रूम में, आपने पहले भी देखा होगा। शिखा खुला हुआ है, क्या कर रही है? हमारी क्लास के बच्चे अभी नहाते हैं मोस्टली एंड इनका मिरर जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सुंदर दिखाता है ना शिखा। तो शिखा की डिमांड थी पिछली बार गंदा रूम दिखाता, तो अब साफ रूम दिखाते हैं इसका। तो ये मेरी साफ सफाई वाला रूम। ये टेबल है जिसपे मिक्सअप है, बुक्स भी, खाने पीने का भी। अंशिका मैंने बर्थडे गिफ्ट पे क्या दिया था दिखाइयो? ये कप दिया था मैंने इसको, कॉफी कप, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड सिंगल रूम के पास सबके पास विंडो होती है यार। अच्छे से दिखा, यहाँ से एम्स दिखा देता है, ट्रैफिक भी। एंड ये इनका मंदिर है, सबके रूम में तो मंदिर दिखेगा। एंड ये अलमीरा, अब हम जाने वाले हैं या शिखा, हम जाने वाले हैं ना, है ना? तो ही मैंने सोचा चलो यार शूट कर लेती हूँ, जाने वाले तो। चलो मैं आपको अपने एनाबेल डॉल्स से मिलाती हूँ। ये बहुत क्यूट है, थोड़ी डरावनी हो चुकी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम मैंने एनाबेल रखा है। वाह, ये तो इसका आईज बहुत ब्यूटीफुल है पर रात को डरावनी चाहते कि इसका मुंह मेरे को ऐसे पीछे करना पड़ता है। तो तेरे को तूने डराने के लिए रखी है क्या? ओहो, और ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था चिल्ड्रंस डे पे। अच्छा, टफी अच्छा है यार, दोस्त बन चुके हैं, ऐसे बैठती है एनाबेल और टफी। वाओ। चलो अब मैं अपने रूम में लेके जाती हूँ इनको, एट द एंड बाय। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम में। सो दिस इज माय रूम जो कि मेसी हो रहा है एंड ये हमें दो टेबल्स मिल रखी होती हैं एंड ये बेड एंड हमारे पास बालकनी भी होती है डबल रूम के पास। सो ये बालकनी है हमारे रूम की, तो यहाँ पे हमने छोटा सा किचन बना रखा है एंड वॉश बेसिन है ये तो। एंड यहाँ पे हमारा ये मैंने आपको बताया था वॉशरूम भी दे रखा है, दोनों टॉयलेट एंड बाथरूम। एंड हमारे पास भी छोटा सा मंदिर है। सो इस तरीके से हमारा रूम है एंड अगर आपको डिटेल वीडियो लाइक मेरे रूम टूर के ऊपर सो कमेंट डाउन बिलो। तो ये था छोटा सा हॉस्टल टूर और यही सारा पैटर्न जो है वो फ्लोर वाइज है। लाइक हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे थर्ड ईयर रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे फर्स्ट ईयर रहता है शायद, मतलब मिक्सअप रहते हैं सारे के सारे, बट जो सेकेंड फ्लोर है उस पर हम ही रहते हैं। तो ऐसे ही पैटर्न सारा रिपीट होता है एंड ये वीडियो थोड़ा शाम को बना रही हूँ, थोड़ा डार्कनेस आपको फील हो सकती है। सो मुझे बताना कि वीडियो कैसी थी एंड कमेंट करना कि अगर आपको मेरा रूम टूर चाहिए हॉस्टल का। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।